नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी अनंत कुमार जी से। अनंत जी, मध्य प्रदेश में जो अब माहौल हो गया है, बिल्कुल 2 दिन बचे हैं और जिस तरीके की स्थिति है, आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता वो तय कर चुके हैं, क्योंकि वो एक बीमार राज्य को शिवराज सिंह चौहान जी ने सुचारू राज्य बना दिया और बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह, हर तरफ उन्होंने खुशहाली का निर्माण किया है। इसलिए इसको और एक मौका दे और एक अवसर दे, इसलिए मुझे लगता है शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार से ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा सीटों से लोग चुन के भेजेंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि साहब, जो कुछ भी बीजेपी दिखाती है कि साहब ये हमारी योजना, ये हमारी योजना, सब केंद्र का है। देखिए, यदि बिजली का उत्पाद 4,250 मेगावाट से 10,000 के ऊपर हो गया है और 22 घंटे बिजली मिल रही है और सिंचाई 7.5 लाख हेक्टर से 25 लाख हेक्टर है और गेहूं का उत्पादन 1,25,00,000 मेट्रिक टन, यानी कृषि कर्मण प्रशस्ति पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले, सड़कों का बिछाना 90,000 किलोमीटर, ये सभी शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। इसमें केंद्र का और कांग्रेस के केंद्र सरकार का कोई मदद भी नहीं है, सहयोग भी नहीं। और वो कह रहे हैं पैसा तो सब हम लोग ही दे रहे हैं। यदि पैसे आ रहे हैं तो पैसे आम जनता के जेब से आ रही है और ये जो टैक्स लगाते हैं उसके कारण आ रही है। सोनिया जी, राहुल जी अपने मायके से कोई पैसा नहीं लेके आ रहे, इसलिए पैसे जो है वो भारत की और मध्य प्रदेश की जनता की पैसा है। उस पैसा भी संवैधानिक है, जो मध्य प्रदेश को शेयर मिलना चाहिए, उसमें अंश मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए, वो पैसा हक बनता है मध्य प्रदेश की जनता की, इसलिए वो मध्य प्रदेश की जनता की पैसा, उसका सदुपयोग शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से के साथ कई मोर्चों पे सरकार जो है फेल हुई है, आपको क्या लगता है? पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, इन इश्यूज पर आपकी क्या राय है? नहीं, यदि फेल हुई है, केंद्र कांग्रेस सरकार फेल हुई है, महंगाई देखिए और घोटाले देखिए, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम से लेकर कोलजी से लेकर, यानी 2G से दामाद जी तक घोटाले घोटाले और सरहद के ऊपर असुरक्षा, सरहद के अंदर असुरक्षा, आतंकवाद, ये सारे कांग्रेस के केंद्र सरकार के उपलब्धियां है। यदि मध्य प्रदेश में कुछ हुआ है, केवल मात्र तरक्की हुई है मध्य प्रदेश को, अगर चूंकि आप लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं, यहाँ जिस तरीके से पहले टिकट वितरण में थोड़ा सा रोष था कार्यकर्ताओं में, चूंकि आप प्रभारी भी हैं, आपने एक एक सीट पर जाके डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की है, लोगों को समझाने की कोशिश की, वर्तमान में क्या स्थिति नजर आती है? लोकतांत्रिक पार्टी है, जब यहाँ के आम कार्यकर्ता को और यहाँ के नेताओं को लग रहा था, यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी शिवराज जी के नेतृत्व में, तो स्पर्धा शुरू हो गई, यानी हमको भी लड़ने के लिए मौका देना चाहिए ऐसे, लेकिन आखिर तौर हमने पूरा सबको समझा बुझाया, सब लग चुके हैं। यदि कोई पार्टी एकजुट है वो भारतीय जनता पार्टी है, यदि बिखराव है वो कांग्रेस में है। कांग्रेस एक सुर में भी नहीं है, उनके प्रवक्ता एक कहती है, उनके नेता और कुछ कहते हैं और उनके बाकी लोग और कुछ कहते हैं, ऐसे स्थिति में, बिखराव के स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। और टिकट बंटवारे में खरीद फरोख का भी आरोप आपस में लगाते हैं, हत्या करवा सकते हैं ऐसे भी उनके सह प्रवक्ता मीडिया के सामने बोलती है, ये विकट परिस्थिति में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आप जरा देखिए, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र को जारी किया,
वो ये म्यूजिकल चेयर बन चुकी थी। यानी पहले दिग्विजय सिंह जी उठ करके चले गए, उससे उसके बाद कमलनाथ जी उठ करके चले गए, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उठ करके चले गए, आखिरी मोमेंट तक, आखिरी पल तक बैठे रहे हुए पचौरी जी और भुरिया जी, ये हाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब हम कुछ भी कार्यक्रम करें, कोई भी कार्यक्रम करें, घोषणा पत्र जारी तक, उसमें जो अनुशासन, एकजुटता दिखती है, ये अपने आप में एक संदेशा भेजती है। ये भी कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस का घोषणा पत्र और आपका घोषणा पत्र, आपको क्या लगता है ये जो मुफ्त की चीजें हैं, अनाज मुफ्त, बिजली मुफ्त, लोगों को कहा जाए 5 हॉर्स पावर के जो पंप्स हैं वो मुफ्त, ये जो मुफ्त की बात होती है ये कितनी सही है? इसके लिए बहुत अच्छा जवाब नरेंद्र भाई मोदी ने दे चुका है भोपाल के आम सभा में। बगल के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का हुकूमत है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का हुकूमत है, राजस्थान में अब तक कांग्रेस के हुकूमत थी, हरियाणा में है और असम में है, वहाँ कोई आचार संहिता नहीं है। यदि वो अपना वादा निभाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले मुफ्त देने का, अनाज से लेकर बिजली तक, वो पहले वहां करके दिखाए तो वहां के लोगों को भी भरोसा जगेगा और वहां के लोग बताएंगे मध्य प्रदेश वासियों को, देखिए हमारे यहाँ ये सब मुफ्त करवा दिया इसे। पिछले 8 साल से यदि पूरा भारत की 125 करोड़ जनता त्राही त्राही कर रही है, वो महंगाई के कारण त्राही त्राही कर रही है। यानी हर हफ्ता पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस का दाम बढ़ा रहे हैं, पैग 100 रुपए हो गया था, ऐसे स्थिति में लेकर के देश को लाके बिठा दिया है, आर्थिक संकट खड़ा किया है। हमने कई बार चिदंबरम जी को कहा लोकसभा में, चिदंबरम जी आप और मनमोहन सिंह जी और मांटेक सिंह अहलूवालिया जी, आप तीनों अर्थशास्त्री नहीं है, आप तीनों अनर्थशास्त्री हैं, तो वो क्या राहत दे सकते हैं? वो कुछ नहीं करने वाले हैं, उनको सरकार में आने का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए झूठे वादे लोगों के सामने रख दिया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है, चाहे वो अभी सांसद की बात कर लें, पूर्व विधायकों की बात कर लें, वो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी में, तो ये बीजेपी का अट्रैक्शन है या अवसरवादिता? देखिए वो सब समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा और केंद्र दिल्ली में, नई दिल्ली में कांग्रेस हटने वाली है, परिवर्तन बदलाव आना सुनिश्चित है। ऐसे स्थिति में जो कांग्रेस में सांसद है, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता है, वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केस टू केस देख करके, हम जो उसमें लोकप्रिय नेता है, गुण वाले है, वैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी शामिल करवा रही है। एक बात और भी कही जा रही है कि साहब जो पुराना घोषणा पत्र था उसमें से कई चीजें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई या जिन पर अभी अमल नहीं हो पाया, ये भी बात है। 85% हमने हमारे वादा को निभाया, अमल किया, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार और विकास ये दोनों निरंतरता का प्रतीक है और शिवराज जी के ये अचीवमेंट्स के कारण, कामयाबी के कारण पूरा प्रदेश में और देश में एक विश्वसनीयता बन चुकी है। यानी शिवराज जी जो कहेंगे वो करने के लिए प्रयास करें। अभी कांग्रेस वालों ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, 100 दिन में महंगाई हम रोकेंगे। कितने 100 दिन हो गए? यानी हर साल में, पिछले 9 साल में हर साल तीन 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 बार 100 100 दिन हो करके 2700 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। और केंद्र के कांग्रेस के सरकार ने, उन्होंने वादा किया था, यानी हर साल 1 करोड़ हमने रोजगार
निर्माण करेंगे, कहाँ रोजगार निर्माण होगा, ये तुलना करेंगे। यानी शिवराज बनाम कांग्रेस पार्टी, यानी विकास का कर्णधार बनाम बंटाड़ा पार्टी, ये तुलना करके शिवराज जी के जो घोषणा पत्र है वो जरूर अमल होगा, ये विश्वास लोगों के मन में। बेहतर की गुंजाइश हर जगह होती है पार्टी में, जैसे आपने कहा कि घोषणा पत्र है आपके पास, अगर ये तीसरी बार हैट्रिक आपकी बनती है तो इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी एक मास्टर की तरह आप लेंगे कि नहीं, जो जो घोषणाएं की थी वो पूरी हों, टाइमली हों? लीडर का, मास्टर का वो रोल निभाएगा, वो केवल मात्र शिवराज सिंह चौहान निभाएगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश की जनता उनको जिम्मेदारी दे रही है और वो जानते हैं, यानी जनता सबको देखती रहती है, इसलिए खरा उतरना होगा, इसलिए मुझे लगता है अपने वादों के ऊपर वो खरे उतरे। एक बात ये भी उठ रही है कि जिस तरीके से आपने टिकट वितरण, जिसको कहें जो खतरनाक किस्म की सीटें थी, जहां बहुत टफ फाइट थी, वहां आपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को लगा दिया, ये उनको व्यस्त रखने का काम है या फिर उनका एक तरीके से टेस्ट? हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है 2013 को जीतना और पहले से अच्छे तरीके से जीतना, और हमें लगता है हर एक चुनाव एक परीक्षा है और इस परीक्षा का पूरा तैयारी करें। और अंग्रेजी में एक कहावत है, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जब भी खेलना होगा, चक्का और चौका मारना होगा, तो अच्छे कदम और सही कदम आगे रखना पड़ेगा, ऐसे हमने रख दिया है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि विधानसभा तो आप लोग जीत लिए थे, पर जब लोकसभा के जब चुनाव आए, 2008 आपने फतेह किया, 2009 के जब लोकसभा चुनाव आए तो वहां प्रदर्शन बीजेपी का कमजोर हो गया, इस बार? नहीं, इस बार दोनों प्रदर्शन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर है और पूरा देश में नरेंद्र भाई मोदी का फैक्टर है, इसलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों फैक्टर काम करेंगे। और लोग ये भी जानते हैं, यानी 2014 जीतना होगा तो उसका बुनियाद 2013 के विधानसभाओं से होगा, उसमें यदि अहम भूमिका कोई प्रदेश का है वो मध्य प्रदेश का। पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस जो है विपक्ष के मुद्दे चुराती है, और आप आपातकाल के बाद की बात कर लें, महंगाई वाले इशू ले लें, गरीबी हटाने वाले इशू ले लें, ये विपक्ष ने उठाए थे और उनको कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। अब ये कहा जाता है बीजेपी कांग्रेस के इशू लेती है, जैसे स्थिरता, ये मुद्दा पहले कांग्रेस ही देती रही कि स्थिर सरकार हम देंगे, अब आपका नारा है कि हमारे पास स्थिरता है, हमारे पास एक नेता है, हमारे पास स्टेबिलिटी है। ये नहीं, हम केवल स्थिरता के बारे में और स्टेटस क्वोइज्म के बारे में नहीं कह रहे, हम साफ सुथरा ईमानदार संवेदनशील नेतृत्व के बारे में कह रहे हैं, पारदर्शिता के बारे में कह रहे हैं, और उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं, यानी सुधार और विकास यदि कोई कर रहा है और वो सुधार और विकास के लिए कोई सुशासन दे रहा है, वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और पूरा देश भर में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को, ये बनाम को आगे रख चुका है, यानी जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और गुजरात है और नीचे वहाँ गोवा है, उसके तुलना में कांग्रेस के अन्य प्रदेशों को आप देखिए, तुलना करिए, बिजली के बारे में, सड़क के बारे में, पानी के बारे में और बाकी मानकों के बारे में आप तुलना करिए। लोग ये भी कहते हैं कि आपने उनके इश्यूज को पकड़ा है, जैसे कांग्रेस पहले क्या करती थी कि गरीब तबकों पर, एक वर्ग विशेष पर बहुत अनुकंपा उसकी रहती थी और उनके को फोकस रख के योजनाएं बनाई जाती थी, बीजेपी ने धीरे धीरे ये किया है कि मध्य प्रदेश की बात कर लें तो जितना दलित वर्ग है, जितना गरीब वर्ग है, उसको आपने इस बार भी घोषणा पत्र में लक्ष्य करके उसको साधा है। देखिए, पिछले 50 सालों में कांग्रेस गरीबों के बारे में, खेतिहर मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, ऐसे ऐसे सभी समुदायों के बारे में वादे करते रही, बातें करती रही,
काम कुछ नहीं किया, लेकिन केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, ये सारे तबकों के बारे में बात भी की और काम भी किया है, ये फर्क है। यानी केवल मात्र बात करने से, घोषणा पत्र बनाने से, 20 पॉइंट 25 पॉइंट बनाने से कुछ नहीं होगा। गरीबी हो हटाओ ये नारा मात्र रह गया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई योजना नहीं लेके आए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार है नहीं, पर वो ये तो कह रहे हैं कि 35 किलो अनाज फ्री दे देंगे, किसी को स्कूटी फ्री दे देंगे, किसी को मोबाइल फोन फ्री दे आज देंगे। तक क्यों नहीं दिया भाई साहब? देखिए 35 किलो अनाज देना एक जगह है, लेकिन आप महंगाई को रोक सकते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल खत्म हो गया तब 32 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, आज कितना है? 82 रुपये है। यानी आप 4-5 रुपये में 1 किलो प्याज खरीद सकते थे, आज 100 रुपये हो गया। चावल का दाम क्या हो गया जी? गेहूं का क्या हो गया? दाल का क्या हो गया? तेल का क्या हो गया? यानी आप 35 किलो का लालच देते हुए देंगे नहीं, क्योंकि ऐसे अवसर आपको मिलेगा नहीं। यहां हजारों रुपए ठग रहे हो ना, हजारों रुपए का चोरी कर रहे हो महंगाई के नाम पर। एक बात और यहाँ उठती है कि आपने जब टिकट वितरण हुआ उसके बाद कार्यकर्ताओं को प्रेम से समझाया, फिर डंडे का भय भी दिखाया, जिसको कहें कि उनको भय भी दिखाया कि सरकार नहीं बनी तो आपकी ये दुर्गति होगी, ये सच है क्या? नहीं देखिए, यदि बारंबार मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व है, वैसे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है और जनता का आशीर्वाद, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुलझे हुए कार्यकर्ता और वो ये भी जानते हैं, यदि 230 सीटें हैं, केवल मात्र 230 30 कार्यकर्ता उसमें लड़ सकते हैं और बाकियों को अपने खुद को संभाल करके लगना पड़ेगा। तो जब हमने प्यार से समझा बुझाए और उनको कन्विंस करने की, परसुएट करने की कोशिश किया, वो सुलझे हुए कार्यकर्ता है, वो कल का कार्यकर्ता नहीं है, पिछले 30, 35, 40 सालों से काम करते हुए कार्यकर्ता है, वो ऐसे होकर के जुट गए। यानी किसी को दंडा दिखाना और किसी को कार्रवाई करने का डर दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति नहीं है। हम एक परिवार जैसे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में वो परिवार का एक धारणा है, इसलिए जैसे घर में बैठ करके एक दूसरे संवाद करने के बाद समझा बूझते हैं, वैसे करके सबको हमने लगाया। मतलब आशा ये भी रहा होगा कि सरकार बनेगी तो थोड़ा बहुत फायदा सही कुछ तो मिलेगा, ये भी आशा रहा होगा। सरकार जब बनेगी तो हमने जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए एक अवसर भी मिलेगा, और दूसरा ये महायज्ञ में, यह महासंकल्प में सबका भागीदारी रहे। तो मतलब वो आपकी जो दलील है वो काम कर गई, इसी वजह से आप कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई भीतरघात नहीं। भीतरघात तो नहीं है, प्रदर्शन भी कहीं नहीं हुए, 2.5 लाख कार्यकर्ता परिसर में आके गए, सबसे बातचीत हुई और वो अभी पूरा लग गए, और हमें लगता है अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, और पिछली बार 143 लेकर के हम जीते थे, उससे ज्यादा सीट पा करके भारतीय जनता पार्टी जीते। राष्ट्रीय प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस पर कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी हमेशा सवाल उठाती रही है, जैसा पड़ोसी मुल्कों की जो कहा जाए आंख दिखाने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, इसमें किसका फेल्यूर मानते हैं, रक्षा मंत्री का या पूरी गवर्नमेंट का? यदि प्रधानमंत्री जी कूटनीति में और विदेश व्यवहार की नीति में सूझबूझ से काम नहीं करेगा और भारत का ताकत का एहसास नहीं बताएगा, तो भारत को ऐसे
लघुता से लेने की और लाइटली लेने की एक जो गलत प्रथा शुरू हो गया है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और चीन से अन्य देशों से वो रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण दो में अण्वस्त्र प्रयोग करके पूरा दुनिया के सामने भारत को एक ताकत यानी सुपर पावर ऐसे प्रस्थापित किया। लेकिन ऐसे एक ऐसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से शक्ति के स्थान से यदि भारत को किसी ने नीचे उतारा है अपने व्यवहार से वो ये कांग्रेस के सरकार है मनमोहन सिंह सरकार। मनमोहन सिंह जी को जिम्मेदार मानता हूं। यदि वो पाकिस्तानी जवान भारत में घुसपैठ कर करके हमारे जवानों को काट करके लेके जाएंगे उसका जवाब देना चाहिए। चीन यदि भारत के अंदर आएगा तो चीन को बताना पड़ेगा, बांग्लादेश को चेतावनी देना पड़ेगी। भारत रत्न की बात करें, बीजेपी बार बार मांग करती है कि अटल जी को भारत रत्न दिया जाए, परंतु केंद्र जो है वो आपकी सुनवाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये कौन सा ऐसा तर्क है जिस पे आप कहते हैं कि नहीं अटल जी को? अटल बिहारी वाजपेयी जी अजात शत्रु और पूरा भारत अटल जी को मानते हैं और अटल जी ने 60 साल भारत के लोकतंत्र के लिए भारत के विकास के लिए उन्होंने संघर्ष करता रहा और पहली बार एक ऐसे अनोखा गठबंधन के नेतृत्व करते हुए भारत को विकसित देश बना दिया और आज के दिन में अटल जी को भारत रत्न से भी करना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे, फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे और वहाँ आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू जी कह रहे हैं और पूरा देश चाहती है और मध्य प्रदेश को तो बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि वो पूरा देश के और खास करके मध्य प्रदेश के सुपूत है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ग्वालियर उनका जन्मस्थली है और पूरा मध्य प्रदेश उनका कर्मस्थली रहा, विदिशा से वो जीत के गए। इसलिए हमें लगता है यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सुशोभित करना चाहिए और ये संकीर्ण राजनीति से केंद्र सरकार को ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि इसमें दलगत राजनीति नहीं है। यदि दलगत राजनीति होती तो फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार और पल्लम राजू ऐसे कई लोग नहीं बोलते। राजनीति में कहा जाता है बीजेपी ने एक डिफरेंस क्रिएट किया है। आपकी पार्टी दावा तो करती है पार्टी विद डिफरेंस, कार्डर को लेकर, अनुशासन को लेकर, शब्दों के विन्यास को लेकर आप लोग निरंतर सजग रहते हैं। ये जो आजकल बयान आ रहे हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, भारतीय जनता पार्टी ये पब्लिक डिस्कोर्स को यानी जो सार्वजनिक संवाद है उसका स्तर को हम ऊंचा ही रखना चाहते हैं और हमने कांग्रेस के खिलाफ कोई कीचड़ नहीं उछाला। यदि हमारे विज्ञापन देखेंगे वो सारे विज्ञापनों में उन्होंने क्या कहा उसको हमने उद्धृत किया है, यानी गरीबी के बारे में और दारिद्र रेखा के बारे में और महंगाई के बारे में, हर विषय के बारे में कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कैसे अनाप शनाप बयान दिए इसको हमने उद्धृत किया है। हमने कुछ नहीं किया, हम केवल मात्र आईना दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापनों में कहीं भी हमने ऐसे किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी के परिवार के बारे में बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, लोकायुक्त के सामने कुछ नहीं और मध्य प्रदेश और देश के न्यायपालिकाओं में जब ये आरोपों को बेबुनियाद और बेतुके आरोपों को ये लेके गए थे हर जगह उसको टुकरा दिया न्यायपालिकाओं ने।
जब ऐसे स्थिति है तो मिथ्यारोप कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के हर विज्ञापन के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट दर्ज किया है और मानहानि मुकदमा किया है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कुछ नहीं किए हमारे विज्ञापनों के बारे में, क्योंकि कांग्रेस जानती है ये भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य नहीं है, ये अपने कांग्रेस के वक्तव्य है। यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ उद्धृत किया है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के द्वारा किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिसको जेल भिजवा गए वो हकीकत उनको सामने रखा है। मोदी जी वर्सेस राहुल जी, कद में देखा जाए तो कौन बड़ा आपकी नजर में अब साबित हो रहा है? नरेंद्र भाई मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है, पूरा भारत का करोड़ों जनता का उम्मीदवार है। पर लोग कहते हैं राहुल जी इनोसेंट हैं, हर चीज को सहजता से सरलता से देखिए कहते हैं। राहुल जी आज के दिन में वो एक विफल नेता बन चुके हैं, फेल्ड लीडर। वो गए बिहार में, कांग्रेस बिहार हार गई, बाद में उत्तर प्रदेश में वो कवायद किया, वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। तो बाद में वो जहाँ भी जाते हैं हर जगह कांग्रेस हार जाती है। पर कर्नाटक में तो जीत गए वो लोग। नहीं, कर्नाटक में राहुल गांधी के कारण नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां के तब के मुख्यमंत्री के कारनामों का कीमत हमको चुकाना पड़ा, राजनीतिक कीमत चुकाना पड़ा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ शिवराज जी हैं, वहां से कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे तरफ भी चेहरे हैं, पर हम परिणाम आने पर घोषित कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रतिद्वंदी पार्टी, जब कांग्रेस की ये नीति है कि वो बाद में ही चुनते हैं, तो बीजेपी इशू बना रही नहीं, इनके पास कोई लीडर नहीं है? नहीं, अभी अभी लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया, उसके लिए हम अभिनंदन भी करते हैं। जब मैं सचिन तेंदुलकर जी का याद करता हूँ तो वनडे इंटरनेशनल का भी याद आ जाती है। वनडे इंटरनेशनल मैच यदि हो और उसमें हम कहे, हम खेल के बाद कैप्टन को घोषित करें, वैसे स्थिति में कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं आपके अनंत कुमार जी का साफ कहना है कि मैच खेल रहे हैं तो कैप्टन सामने होना चाहिए। कार्यक्रम क्रॉस फायर में आज इतना ही, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।